आतंकवाद और पाकिस्तान का हिमायती बनी चीन ने एक बार फिर से अपना दोहरा रवैया दिखाते हुए यूएन में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। साजिद मीर 26/11 का प्रमुख साजिशकर्ता है। आतंकवाद को लेकर चीन की नीतियां हमेशा ही सवालों के घेरे में रही हैं, लेकिन उसका नजरिया आज तक नहीं बदला। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब मुंबई पर हुए 26/11 हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन ने रोक लगा दी। दरअसल यूएन में अमेरिका ने मीर को काली सूची में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव रखा था और भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन चीन ने इस पर वीटो कर दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति 1267 के समक्ष साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्ताव में मीर की संपत्ति जब्त करने, यात्रा पर प्रतिबंध लगाने और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया। अमेरिका ने मीर के सिर पर $50,00,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। 26/11 हमले के मृतकों में चूंकि 6 अमेरिकी थे, इसीलिए अमेरिका भी साजिद मीर को दबोचना चाहता है। इधर पाकिस्तान सरकार हमेशा ही साजिद मीर को लेकर झूठ बोलती रही है। साजिद मीर की मौजूदगी से पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक दावा किया था कि साजिद मीर की मौत हो चुकी है। जून में मीर को हिरासत में लिए जाने की खबर भी आई, तब पाकिस्तान ने FATF से राहत की उम्मीद करते हुए अपने दामन पर लगे दाग को कम करने के लिए एक तरह से ठोक रचा था। बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर 26 नवंबर 2018 को मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। दरअसल हमले के दौरान आतंकी अजमल आमिर कसाब समेत सभी आतंकियों को फोन पर हमले के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रहा था, जिसके बाद जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब ने साजिद मीर का नाम लिया था। मुंबई हमले की साजिश में लश्कर का संस्थापक हाफिज सईद व जाकिर रहमान लखनवी भी शामिल थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।